देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि एक रोमांटिसिज्म है इस पूरी फिल्म में, तो आई होप सबको अच्छी लगने वाली है। ओके, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो देश में अभी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसको लेकर आपके क्या विचार हैं कि ये प्रोटेस्ट सही है या नहीं, कुछ उस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? अभी तो नो कमेंट। ओके, तो और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? जिस तरह से आपने पिछले जो पास्ट है आपका, कई सारे हिट्स आपने दिए हैं, रक्त चरित्र की बात करें या मुश्किल की बात करें, उसके अलावा कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी मेरी फिल्म रिलीज है, फिल्म कॉल्ड कोर्ट, विवान शाह जो नसीर साहब की बेटिंग है और संजय मिश्रा जी उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और रियलिस्टिक फिल्म है, रिलीज़ पे है जैन और फिर फर्स्ट वीक आई थी। उसके बाद एक फिल्म रिलीज है मेरी लवी शंकर, तो दो फिल्में हैं जो बैक टू बैक रिलीज हैं, और कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका म्यूज़िक अभी तैयार हो रहा है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा उसके बाद। जाते जाते एक सवाल आपसे है कि न्यू ईयर आने वाला है और साल का अंत है, तो इस अंत को किस तरह से आप अपने तरीके से लोगों को, आप अपने फैंस को बताएंगे, और नए साल की शुरुआत किस तरह से करेंगे, उसके स्वागत कैसे करेंगे? एक गाने, दो गाने से अगर हम आपसे जानना चाहेंगे एज अ म्यूजिशियन। नए साल की शुरुआत के लिए अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं कुछ गा के सुनाऊं? जी जी जी, लाइक तो गाना डेडिकेट करें नए साल के लिए। बेखुदी का तो सहारा बन गया है, तू तसल्ली का किनारा बन गया है, अब तुझे पाके मैं क्या चाहूँ, बस तेरा हो के जिए जाऊं, तू मेरी सुबह का तारा है, खाली रातों का गुजारा है, मेरी चाहत का ये वादा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।